नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। कर्नाटक में हार की रिपोर्ट पीएम को देंगे नड्डा, सामूहिक नाकामी की जगह जिम्मेदारी तय होगी। मणिपुर में शिविरों में मौजूद ग्रामीण बोले, हथियार दे हम खुद निपट लेंगे। मैतेई बोले एनआरसी लागू करें। जम्मू में केरल स्टोरी पर टिप्पणी के बाद मेडिकल के छात्र भिड़े, एक घायल। सुनक जलेस की मिले, यूक्रेन के पायलट्स को ब्रिटेन ट्रेनिंग देगा। जेल में अकेला महसूस कर रहे थे पूर्व मंत्री सत्येंद्र, साथ के लिए भेजे दो कैदी, एसपी को नोटिस। हेमकुंड साहिब यात्रा, भारी बर्फबारी की वजह से बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों पर रोक। न्यूयॉर्क में आसमां से गिरे पत्थर ने बदली महिला की जिंदगी, इसका एक ग्राम 82,000 रुपए का। स्कॉटलैंड के इस बूटा शहर में शॉपिंग मॉल्स और थिएटर भी, लेकिन रहते हैं सिर्फ 4 लोग। पटियाला के गुरुद्वारों के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगेंगे। कोर्ट परिसर में हत्या के आरोपी पर बरसाए फूल। पटना में बिहार से हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बोले भारत में रहना है तो सीताराम कहना ही होगा। नाइजीरियाई शेफ का कमाल, 88 घंटे खाना बनाकर भारतीय का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आबकारी घोटाले में एक चैनल के कमर्शियल हेड गिरफ्तार। पाकिस्तान में इमरान मामले में चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन। कानून को फांद कर सुप्रीम कोर्ट परिसर में घुसी शरीफ सरकार, 3 घंटे तक हुड़दंग। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।